शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऐसा कौन सा सच निकाल के लाई हो तुम पाताल की गहराइयों से? बस ये बताने आए कि वो तुलसी धाम जो हमारे लड्डू गोपाल का धाम है, वो धाम ही रहेगा। त्रिगुण हेरिटेज कभी नहीं बनेगा। जिस तुलसी धाम की पावन धरती को हमारे पूर्वजों ने अपनी भक्ति से सींचा है, वो हमारा था, हमारा है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे तो खुद देख लीजिए। सुबह से फोन नहीं उठा रही है, न जाने कहां गई होगी, कुछ तो बता कर जाती। माधव, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे उससे अपने दिल की बात कहनी हो। प्लीज लतिका, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। न जाने कहां होगी तुलसी, किस मुसीबत में होगी और मैं यहाँ पे। माधव, वो तुलसी है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली, तुम्हें इतना परेशान होने की ना कोई जरूरत नहीं। अरे गोवर्धन, कुछ पता चला? कैसे पता चलेगा, पूरे गाँव में तुलसी कहीं भी नहीं है। तुम तो उस लॉयर के ऑफिस में गए थे ना? पर मैं तो अभी गया था ना वहाँ पर। तुलसी कल शाम को ही वकील साहब के यहाँ चली गई थी और वकील साहब से नोटिस पेपर लेकर ना जाने कहाँ चली गई है। नोटिस? तब तो तुलसी एक ही जगह जा सकती है, त्रिगुण सोलंकी के यहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? ना तोप, ना तलवार, ना बंदूक, कागज के टुकड़े से सोलंकी परिवार को डराना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस, एक ऐसा नोटिस जिससे आपके बाबूजी त्रिगुण सोलंकी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा, आपके सारे सपने धराशायी हो जाएंगे। एक बार पढ़िए तो सही, एक बार पढ़िए तो सही। अंगद पढ़ो, मैं भी तो देखूं कौन से पुराण का कौन सा श्लोक लेकर आई है जो त्रिगुण सोलंकी का तुलसी धाम पर से कब्जा हटा देगा। ये कैसे हो सकता है? मन में नहीं, जोर से पढ़ो अंगद। पापा, इसमें लिखा है वो क्या है ना, आप लोगों ने आज तक इलीगल काम ही करे इसीलिए लीगल पेपर पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, हम बताते क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के आर्टिकल 24 के अनुसार एक पिता अपनी पुश्तैनी जमीन को, अपने पूर्वजों की जमीन को अपनी संतान की सहमति के बिना नहीं लिख सकता किसी के नाम पर। और यदि वो ऐसा करते हैं तो ये अवैध माना जाएगा। कहना क्या चाह रही है ये? सिंपल भाषा में कहे तो इतना समझ लीजिए कि तुलसी धाम तुलसी की सहमति के बिना किसी को नहीं मिल सकता। और आपके पास हमारे बाबा के साइन की ये जो पेपर्स है, ये केवल एक इलीगल पेपर है। उसके सिवा कुछ भी, उसके सिवा कुछ भी। Thank you.
किसी भी समस्या का हल नहीं है, किंतु अंतिम विकल्प अवश्य है, क्योंकि जीवन कभी कभी ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा करता है जब हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ता है, युद्ध का चुनाव करना ही पड़ता है, क्योंकि युद्ध में जय या पराजय इस बात पर निर्भर नहीं होती कि योद्धा जीवित रहा या मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस योद्धा की जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि वह धर्म के लिए लड़ा या अधर्म के लिए। आज तुलसी ने भी त्रिगुण के विरुद्ध जो युद्ध का बिगुल बजाया है तो वह पूर्णतः उचित ही है, क्योंकि जब शांति और वार्ता का स्थान नहीं रह जाता, जब विधर्मी धर्म और शास्त्र को नहीं समझता, तो शस्त्र को अपनी भाषा का परिचय देना ही पड़ता है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे रावण की लंका में भगवान हनुमान जी ने आग लगा दी हो, और पापा जी को तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो भगवान हनुमान जी को रोके या उनकी लगाई आग को। हम माफी चाहेंगे अगर हमने आपकी पार्टी खराब कर दी हो, पर अब आप लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं। हम चलते हैं। राधे राधे। अरे हाँ, उस दिन एकादशी वाले दिन आप लोग तुलसी धाम आए थे और बिना प्रसाद लिए ही वापस लौट गए, इसलिए हम आप सबके लिए प्रसाद लेकर आए। लीजिए। आप भाभी जी लीजिए ना प्रसाद, प्रसाद को ना नहीं कहते। लीजिए और सबको बांट के चलिए। इस नोटिस की एक कॉपी हमारे लॉयर ने कोर्ट में जमा करवा दी, तो अब आप लोगों से कोर्ट में मुलाकात होगी। चलते हैं। आज तुलसी ने त्रिगुण को सत्य का दर्पण दिखाया, वही दर्पण जो कभी महादेव ने रावण को दिखाया था जब वह अपने अहंकार में कैलाश को उठाने चला था। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। इसीलिए जब सत्य के जल में हम अपनी छवि देखते हैं तो हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, हमें इस बात का आभास होता है कि हमारा अहंकार कितना तुच्छ है। आज तुलसी ने त्रिगुण को उसी सत्य से परिचित कराने का प्रयास किया है। तुलसी, क्या कहा तुमने? तुलसी धाम को अपने नाम करने के लिए मुझे तुम्हारी सहमति की जरूरत होगी। किसी की जमीन छीनने के लिए अब त्रिगुण सोलंकी को उसकी सहमति लेनी होगी। लड़की, जिसकी सहमति हमारी मजबूरी बन जाती है वो जिंदा नहीं बचता। तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। संपत सरकार, लोड भी कर दियो। पापा प्लीज रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? जो काम उस दिन गोरवा में अधूरा रह गया था वो आज पूरा होगा। हम उस दिन भी आपके सामने खड़े थे और आज भी आपके सामने खड़े। मौत का डर हमें उस दिन भी नहीं था, उस दिन भी नहीं था और आज भी नहीं। चलाइए गोली। ये तुलसी धाम नहीं है, त्रिगुण धाम है। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भगवान भी नहीं आएंगे। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।